दोस्तों, अगर आपके पास भी HDFC का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आज के इस वीडियो में लिमिट इंक्रीज करने के दो तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका प्री अप्रूवल वाला, जो बैंक आपको ऑफर देता है। तो कैसे आप चेक करेंगे कि आपको ऑफर मिला है या नहीं, और अगर आपको ऑफर नहीं मिला है तो आप मैनुअली किस तरीके से रिक्वेस्ट डालेंगे और किस तरीके से लिमिट इंक्रीज होगा, कंप्लीट प्रोसेस लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। एग्जाम्पल के लिए प्रूफ आप पहले देख लीजिए, 25,000 पहले लिमिट था और अब लिमिट 90,000 कर दिया गया है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चल के लाइव स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम प्री अप्रूवल ऑफर चेक करेंगे, क्या हमारे कार्ड के ऊपर ऑफर है या नहीं है। ये जानने के लिए आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है HDFC क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज। उसके बाद देखिए पहला लिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं और नीचे चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर हम क्लिक करते हैं। हालांकि इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा। यहां पे सबसे पहले आपको बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहां पे एंटर करके और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। चलिए उसके बाद हमारे नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी हम यहां पे सबमिट करेंगे, ओटीपी आ चुका है। उसके बाद आइडेंटिटी योर सेल्फ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे नए लिमिट का डिटेल हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। प्रीवियस लिमिट 50,000 और न्यू क्रेडिट लिमिट 1.5 लाख। तो यहाँ पे हमें टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नीचे कंफर्म न्यू लिमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी भेजा गया, ओटीपी यहाँ पे सबमिट करके एक्टिवेट न्यू लिमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए ये फाइनली रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है, हमारा कार्ड का लिमिट हो चुका है इंक्रीज। लेकिन दोस्तों, ये प्री अप्रूवल लिमिट इंक्रीज का जो ऑफर है वो सभी लोगों को नहीं दिया जा रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है। तो आप भी ऐसे में से हैं तो आपको क्या करना है कि मैनुअली लिमिट इंक्रीज करवाना है। चलिए मैनुअल क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टमर केयर को मेल डालेंगे कि हमारा लिमिट इंक्रीज किया जाए। ओके, तो देखिए इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको मेल लिखना है। मेल में क्या लिखेंगे कि मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर लास्ट 4 डिजिट ये है, हमारा मोबाइल नंबर ये है, हमारा पैन नंबर ये है, हमारा नाम ये है और हम काफी लंबे समय से कार्ड यूज कर रहे हैं, हमें लिमिट इंक्रीज का ऑफर नहीं मिला है, आप मैनुअली वेरीफाई करके हमारा लिमिट इंक्रीज कीजिए। ऐसा आपको मेल टाइप कर देना, हिंदी इंग्लिश जो मर्जी, आप जैसे मर्जी टाइप करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको सेंड कर देना है। तो जैसे ही हमने ये मेल उनको सेंड किया, उसके बाद देखिए उधर से हमें रिवर्ट आता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। जहां पे देख लिया, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरी स्लिप भेजना पड़ेगा और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ITR भेजना पड़ेगा। लेकिन ये ईमेल के ऊपर नहीं भेजना है, ये आपको बाय कोरियर क्रेडिट कार्ड के हेड ऑफिस चेन्नई में आपको भेजना है। हालांकि यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है, इसके ऊपर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल में बात करूं तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो उसके ऊपर सेल्फ असेस्टेड करना है, यानी कि उसके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर ITR भेज रहे हैं तो उसके नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसी के साथ साथ बता रहा है एंड कॉपी ऑफ द पैन कार्ड, सैलरी स्लिप भेजे या ITR भेजे, पैन कार्ड का फोटो कॉपी करके आपको उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। और अगर आप ITR दे रहे हैं तो आपको कंपोटेशन भी देना पड़ेगा, जो ITR के साथ ही बनता है, उसके ऊपर भी प्रिंट करके नीचे सिग्नेचर करना है। और ये सब चीज एक लिफाफे में पैक करके और 2 एड्रेस में आपको ये वाला एड्रेस मेंशन करके सेंड कर देना है, किसी भी कोरियर से आप सेंड कर देंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट के साथ एक फॉर्म भी आपको प्रिंट करके फिल करके भेजना है, जो कि ये फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि ये फॉर्म का नाम है क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज और क्रेडिट कार्ड अपग्रेड। चलिए इस फॉर्म में भी क्या क्या फिल करना है थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी CIF नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देंगे। इसी के साथ साथ लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और कार्ड अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका सैलरी HDFC अकाउंट में ही आता है तो नीचे आप HDFC अकाउंट नंबर डाल देंगे, बस आपको सैलरी स्लिप भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसके बाद इस फॉर्म में कुछ भी फिल नहीं करना है, सबसे नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है बस। तो ये सब डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके एक लिफाफा में डाल के आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है। तो आपको मेल के ऊपर भी रिवर्ट आएगा जिसमें ये एड्रेस मेंशन रहेगा, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने लिफाफा के ऊपर यानी एनवेलप के ऊपर और आप सेंड कर देंगे। ओके, तो फाइनली जैसे आप फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं उसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद लिमिट इंक्रीज होकर के आपको मेल के ऊपर रिवर्ट आ जाता है कि आपका नया लिमिट इतना है। और आप माय कार्ड में जाकर के लॉगिन करेंगे तो देखेंगे कि आपका नया वाला कार्ड का लिमिट आ चुका है वहां पे। तो आप कुछ इस तरीके से HDFC क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, सैलरी स्लिप बनाना तो पॉसिबल नहीं है, ITR आप जब मर्जी चाहे बनवा सकते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके भी ITR फिल करवा सकते हैं। तो अगर आप हमसे ITR फिल करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर में अपना डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, वहां से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।